सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सांसद हैं राज्यसभा से। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी चर्चा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काला टीका बताया उन लोगों को जो शुभ कार्य में भी देश के बारे में उनका यह मानना था कि अपमान कर रहे हैं या देश के मान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सुधांशु जी, काले टीके की जरूरत रहती है तो फिर चलने दीजिए संसद, जो राहुल ने कहा है या किसी और ने कहा है। हालांकि नाम प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि पीएम का इशारा उसी तरफ था, सही है? देखिए, आप प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारत सरकार के प्रति जो भी काली जुबान चलानी हो चलाइए, हमें उस बात से कोई गुरेज नहीं है। लोकतंत्र है, आपको जो बोलने का अधिकार है। आप देखिए पिछले 8 वर्षों से क्या क्या नहीं बोला है, अब शब्दों की भरमार कर दी है प्रधानमंत्री जी के लिए। जातिवाचक शब्दों से लेके मौत की कामना से लेके मौत के प्रकार से लेके बोटी बोटी तक सब देखा है, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी किसी ने भी किसी प्रधानमंत्री के लिए, मतलब इंदिरा जी के जमाने में भी हम लोगों ने कभी मौत की कामना नहीं की थी। मगर जब आप देश के लिए काली जुबान बोलना शुरू करते, देश पे काला टीका लगाने की बात करते हैं, लोकतंत्र के ऊपर कालिक पोतने की बात करते हैं, तब हृदय में पीड़ा होती है और तब माफी मांगने की आवश्यकता महसूस होती है। अन्यथा मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं आलोक शर्मा जी से, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी गई थी 77 के बाद लंदन, बहुत भव्य स्वागत हुआ था, उनसे पूछा गया था भारत के बारे में और शाह कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी उस जमाने में, शायद उस समय तक वो जेल भी जा चुकी थी, उन्होंने कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया था। I don't want to talk anything negative about India here. मगर क्या हो गया 2 पीढ़ी के बाद, इतने जलवाए जलाल से। अभी देखिए, सारे दर्शक देखेंगे कि आलोक शर्मा जी किस दृढ़ता के साथ, किस आक्रामकता के साथ और किस उग्रता के साथ अभी बोलेंगे टीवी चैनल के ऊपर। तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं और मौके पर ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं, जरूरत पड़ने पर एंकर्स को भी हड़काने लगते हैं, मगर उसके बाद कहते हैं साहब लोकतंत्र खतरे में है, आवाज में बोलने नहीं दी जा रही है। इसीलिए यह परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। हमने सिर्फ यह कहा है कि आजादी के बाद आज तक एक नेता बताइए जिसने जाके दूसरे देश की धरती पे यह कहा हो कि मुझे आश्चर्य है कि वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल आप लोग शब्दों को भी बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन्होंने रिएक्शन शब्द बोला है। और आलोक जी, आपके सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, रिएक्शन का मतलब होता है एक्शन का रिएक्शन, यानी वो मान रहे एक्शन भारत में हो रहा है, रिएक्शन अमेरिका और यूरोप से होना चाहिए। तो आज स्पष्ट कर दीजिए, अगर माफी से को आप अवॉइड करना चाहते हैं, कि रिएक्शन का मतलब क्या था, मतलब भारत का घेराव था कि भारत पे आर्थिक प्रतिबंध लगाना था, भारत की घेराबंदी करनी थी या कुछ और था, कृपया स्पष्ट कर दें। आलोक जी, प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा कि देश में इतना शुभ कार्य हो रहा है, इतना शुभ कार्य हो रहा है कि कुछ लोग ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन वो उनको काले टीके की तरह मानते हैं अच्छे काम। देखिए, शुभ कार्य से ही शुरू कर लेते हैं अंजना जी, देश में बहुत शुभ कार्य हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर और सांसदों तक की डिग्री का नहीं पता है, शुभ कार्य बहुत हो रहा है। ISI जांच करती आकर शुभ कार्य बहुत हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री दंगाइयों को काले कपड़ों से पहचान लेते हैं और कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं, कुछ दिन पहले काले कपड़ों पर भी टिप्पणी आई थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पहली चीज तो ये राहुल गांधी जी ने कोई भी बात ऐसी नहीं की जिसमें कहीं पर भी किसी भी तरह से देश का अपमान हो। देश का अगर अपमान किया है तो वो सबसे ज्यादा अगर विदेश की धरती पर जाकर किया है तो देश के प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। 2014 से पहले जो प्रचलित था उसको शर्म आती थी भारतीय बताते हुए, लेकिन मोदी जी भूल जाते हैं कि लगभग 20 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो जाते हैं 2014 के बाद। वो काला टीका है या सफेद टीका है या हरा टीका है हमें नहीं पता। मुझे लगता है कि जिस तरह से तमाम लोग भागे नहीं, उनको भगाया गया, वो मेहुल भाई हो, ललित मोदी हो, तमाम लोग हो, तमाम बड़े बड़े काले टीके। अब दिक्कत ये कहावत है अंजना जी कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद, जिस आ जन्म ही अंग्रेजों की मुखबरी की हो, जिन्होंने 60 रुपए की पेंशन, माफीनामा और बुलबुल और सुभाष चंद्र बोस, आलोक जी की आवाज नहीं जा रही है तो उसको ठीक कर दीजिएगा। सुधांशु जी, आलोक जी की आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आलोक जी की आवाज मेरे ईयर पीस में नहीं आ रही, इसलिए मुझे टीवी ऑन करके सुनना पड़ा। ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ से, वो ठीक कर रहे हैं। बोलिए आलोक जी। अब मुझे लगता है कि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भी अगर ये कहे कि साहब
काले टीके ढूंढने पड़ेंगे या काले टीके लग गए हैं, तो चिक्की घोटाला, राफेल, नोटबंदी, पिगेसस, 3 काले कानून, और अभी तो नया नया एक मुद्दा आया है, एक कोई किरण पटेल है वो जेड प्लस सिक्योरिटी लेके जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। बताया जाता है मोदी जी के और अमित शाह जी के काफी क्लोज हैं वो। तो काले धब्बे और काले टीके, अडानी जी का जो पोस्टर अभी आज तक पर चल रहा है, इसको पहुंचने की पूरी भरसक कोशिश हो रही कि किस तरह से इस पोस्टर पे जो पीछे अडानी लिखा है इसको पहुंचा जाए। देश में सत्ता पक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है और धब्बे ढूंढ रहे हैं मोदी साहब। कितने धब्बे चले, आईएसआई जांच करने आती है, आप उसको भी क्लीन चिट देते हैं, चीन को क्लीन चिट देते हैं, चाइना घुसकर बैठता है, हमारे तमाम इंडेक्स में हम नीचे चले जाते हैं, 6.5 करोड़ लोग भुखमरी में इंडेक्स में नीचे चले जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी आप देखिए कि किस तरह से मजदूरों के सुसाइड रेट बढ़ जाता है, एक से बढ़ के एक, ठीक है, महंगाई से लेके बेरोजगारी से लेके, और मोदी जी को एक व्यक्ति को, एक बिजनेसमैन को बचाने के लिए एक कॉन्क्लेव में जाकर 9 वर्ष प्रधानमंत्री रहने के बाद भी आज भी कांग्रेस को ही कोसना पड़ता, ये बहुत बड़ा धब्बा है। और सबसे बड़ा धब्बा अंजना जी वो टेलीप्रॉम्प्टर है जिसको पढ़ के मोदी जी बोलते हैं, वो बंद हो जाए ना तो सारे धब्बे बंद हो जाए।